और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इसके बारे में जो संपत्ति कर रहे हैं उसके बारे में पूरे हाउस को जानकारी है। प्लानिंग में उनकी जो जिम्मेवारी जहां पर दी गई है, योगेश शर्मा जी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एनजीओ के जो मेंबर सेक्रेटरी है, के के भारद्वाज जी जो हमारे जो उनको भी कॉल किया हमने, जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप तो डिग्नेटरी यहाँ बैठे हो, एक्स डिग्नेटरी यहाँ बैठी है, आप लोगों को अवेयर करोगे तो मेरे ख्याल में लोग बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि वाकई ये नॉमिनल है। इसमें तो सर मिले सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमेटी जो 28 फरवरी 1978 को गाँव किशनपुर डुंगाड़ा तहसील लवर में मौजूद में आई थी, उस वक्त हमारे गांव की हालत बहुत ख़राब थी। जो उन्होंने यहाँ मुझे मौका दिया और ये एक इशू बना हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग में, इसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि आप तो सब डिग्नेटरी यहाँ हैं, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी सोशल सोसाइटी की आपकी डिग्नेटरी यहाँ बैठी हैं, वो तो वेल अवेयर होंगी इसके बारे में। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो वहाँ तक थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। इसमें ऐसा है क्योंकि जो ये हमारे जो J&K में टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जो है लगने जा रहा है थ्रू J&K में, हर हिंदुस्तान के कोने में टैक्स लग रहा है, हमारे जो जम्मू कश्मीर में नहीं था, अभी ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स हमारा फर्स्ट। इसमें ये ऐसा मैं बताऊँ कि बहुत से नॉमिनल चार्जेस लगने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूँ, क्योंकि जिसका स्क्वेयर फुट 1000 से 1500 स्क्वेयर फुट के करीब करीब है उसको 157 रुपये से लेकर 235 रुपये तक लगेगा। कितना सर? 1000 से 1500 उसको 157 से 235 रुपये तक टैक्स लगने जा रहा है। पर ईयर और ये दो इंस्टॉलमेंटों में भी आप दे पाओगे, ये नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। जिसका 2500 से 5000 का स्क्वेयर फुट है उसको 500, जो 1000 स्क्वेयर के फुट में जो 1000 स्क्वेयर का जिसका एरिया है उसमें कोई उसको टैक्स नहीं दिया जा रहा, उससे कोई उसको एग्जम्पशन ली गई है। एग्रीकल्चर लैंड पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत से नॉमिनल टैक्स हैं। सर आज मुझे इन्होंने NGO जो अपनी सोशल सोसाइटी की जो NGO है यहाँ पे, ये डिग्नेटरी वेल डिग्नेटरी क्वालिफाइड डिग्नेटरी है, इन्होंने मुझे यहाँ कॉल किया था, इनके कुछ डोर्स भी थे वो हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं और उनको अवेयर किया है कि आप भी लोगों के बीच में चले जाइए, क्योंकि ये क्रीम है सोसाइटी की, अगर ये बाहर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग थोड़े से अवेयर ज़रूर होंगे। इसमें यही है कि इनको हमने कुछ इनके जो डोर्स है वो क्लियर किए हैं, तो बाकी हमने जैसे पहले भी बताया है कि ये नॉमिनल टैक्सेस हैं, ये ज़्यादा टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, 1 अप्रैल से ये लग रही हैं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। हम कोई भी म्यूनसिपल कौंसिल या कौंसिल कॉरपोरेशन का आदमी या कमेटी का आदमी इनके पास घरों में कोई फीता मापने पैमाइश करने नहीं जाएगा, इन लोगों ने खुद ही अपना टैक्स अपना ऑनलाइन जमा करवाने हैं, खुद ही असेस करना है, असेस करके ये बताएंगे मेरा 1500 है, मेरा 2000 है, जितना भी एरिया है 5 रुपये इसके जो रेजिडेंशियल एरिया है 5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से लगेगा, जो रेजिडेंशियल 6000 के 6 रुपये के स्क्वायर फुट के हिसाब से टैक्स लगने जा रहा है, और इसमें 1000 तक जो है वो एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया लगा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया 1000 से 1500 रुपये तक 157 रुपये जैसे लेकर 235 रुपये तक टैक्स लगेगा, तो ये एज़ पर स्टैम्प ड्यूटी जो होगी हमारी वो अकॉर्डिंग ऑफ दैट उसके हिसाब से ये टैक्स दिया लगा जाएगा। तो ये स्टैम्प जो दो साल में, ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम ही आप दे दो, तो इसमें ऑप्शन भी रखी गई है, साल में आपको 2 दफ़ा इसकी अदायगी करनी पड़ेगी, एक मई अप्रैल के महीने में, 1 नवंबर के महीने में। इसमें यही हमें ज़्यादा इसमें यह है कि ये जो हमारा यूरिफ के तहत हमारा जो पैसा रुका हुआ है वो उसमें हमें मिलेगा, इसीलिए गवर्नमेंट का ये चाहती है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि इसको इम्पोज़ किया जाए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारा यूरिफ के तहत हमारा जो पैसा आएगा वो हमारे यहाँ, अगर हम जो कलेक्शन हम यहाँ करेंगे उससे डबल पैसा हमें वहाँ मिलेगा, और ये शहर के विकास में
खर्च किया जाएगा, इस कौंसिल के कॉस्ट में ही खर्च किया जाएगा। और मेरी यही विनती है प्रांत तमाम शहर वासियों से और अपनी ये सोसाइटी जो अपनी यहाँ ये जो डिग्निटरी आई है, क्रीम है, रिटायर्ड एक्स क्रीम बैठी हुई है, इनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि ये अपने महल्ले वल्ले गलियों में कहीं आगे पीछे जाकर लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें। कुछ लोग तो मानने के लिए तैयार भी हो गए, जैसे जैसे लोगों में समझ आ रही है वैसे वैसे लोग इसको समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग देने में तैयार हो जाएं। एक में एक फर्स्ट अप्रैल से ये लोग टैक्स दे देंगे। सर जिस तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन आपने इसको बताया, अगर कोई अपनी असेसमेंट गलत बताता है उस पर किस तरह से है? देखो हाँ, उसमें हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट आए कि भाई इसका इतना एरिया इसने गलत बताया, उसमें हम उसको बताएंगे भैया आपके जो है एरिया है ये गलत बना हुआ है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर दीजिए, तो उसके बाद उसके उस हिसाब से पैसा लिया जाएगा। कोई इसमें पेनल्टीज इम्पोज नहीं की जाएगी फर्स्ट टाइम में, कोई कुछ नहीं। ये टैक्स जो है आपके 2026 तक यही टैक्स लिए जाएंगे, ये नहीं कि आज ये टैक्स लिए तो कल हम इसको घटाकर या 6 महीने के बाद बढ़ाया जाएगा, 2026 तक यही रेट्स रहेंगे, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कमर्शियल जो खाली 1 करोड़ से ज़्यादा होगी उस पर टैक्स लिया जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक, हाँ जैसे इन्होंने भी एक मुझे पॉइंट आउट किया, हमारे जो ये सोसाइटी वाले बैठे थे, इन्होंने भी कहा कि कुछ लोग खाली मकान बने हुए हैं उनके किराएदार रहते हैं, मालिक नहीं रहते, मगर किराएदार भी टैक्स देगा। अगर कहीं स्टेट लैंड पर किसी की ज़मीन होगी वो भी टैक्स दिया जाएगा, मगर उसका कोई राइट्स नहीं होगा वहाँ पर कि वो टैक्स दे दिया तो अब मेरा राइट्स बन जाएगा, ये मालकी बन जाएगी, ओनरशिप मेरी हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं होगा। सब जिस तरह से आप यहाँ पर लोगों का अवेयर कर रहे हैं, सोसाइटी की मदद ली जा रही है, एनजीओ की मदद ली जा रही है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं नगर परिषद कठुआ के, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? आज भी मैंने आज एक मीटिंग रखी थी उनकी 1 बजे, मगर हमारे प्रधान जी हैं जो राजेंद्र सिंह बब्बी जी, उनकी कोई सेहत ख़राब थी, इसी बारे में मैंने पहले यहाँ रखी थी, उसके बाद आज मीटिंग हमने जो एजेंडा निकाला हुआ था आज 1 बजे का एजेंडा हमारा वहाँ पर था कि इसी रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में हम उनको बताया जाए, दोबारा उनको समझाया जाए, तो मगर उनकी सेहत ख़राब होने की वजह से इसको हमें जो आज मीटिंग को है डेफर किया गया। कुछ पार्षद जो हैं वो मानने के लिए तैयार भी हैं, हो गए हैं कि हम टैप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना चाहिए। अब कुछ चेंजेस आ रही हैं, दिखने में आ रहा है कुछ चेंजेस आ रही हैं, धीरे 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 जैसे लोग समझ रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो वैसे वैसे लोगों को थोड़ा सा इसमें मिल रही है कि लोग सोच उम्मीद बन रही है, उम्मीद की किरण थोड़ी सी जाग रही है। तो क्या परिषद के अध्यक्ष हैं उनको भी समझा पाया? परिषद आए तो उन्होंने तो मीटिंग रखी थी इसके बारे में। आप वहाँ हाउस में बैठकर क्या डिसीजन लेते हैं उनका, वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हाउस में क्या बोलते हैं, मगर ऐसे जो मेरे पास काउंसलर आते रहते हैं या उनके साथ कोई लोग आते रहते हैं, उनको हम आपस में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त तो कुछ पार्षद वो मानने के लिए भी तैयार हैं।